हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनोरमा ब्यूटी एंड ब्लॉग्स एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये है काम पे तो ये टोटल मेरा काम पे है। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो दी और मैं आज जा रहे हैं पूरी, क्योंकि वहां पर एक मेकअप करना है। और उसके बाद हम और क्या क्या करेंगे वो सब देखने के लिए आप लोग को वीडियो पर बने रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं। हमारा कितना 9 बजे हमें निकलना है, तो हम अभी निकलने वाले हैं। और अवनी, मेरे पीछे बदमाशी मत करना, बोल रही लेकिन बदमाशी करेगी। तो जीजू हमें जाएंगे बस स्टैंड छोड़ने के लिए, दी और मैं निकल रहे हैं। तो चलो, मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम अपने होटल के बाहर हैं, अभी अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू कैसा है और आगे क्या करना है, वो सब आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो पर बने रहना गाइस। और फाइनली वी आर हियर, तो चलो चलते हैं होटल के अंदर। सो गाइस, ये है हमारा होटल जहाँ हम रुकने वाले हैं। होटल का नाम है होटल विक्टोरिया रॉयल। तो यहाँ का चार्जेस था पर डे 2500 और हम 2 दिन रुके थे। रात को एक्चुअली एक दिन हम पूरा रुके एंड नेक्स्ट डे इवनिंग को हमें निकलना था। तो यहाँ पर हम रुके क्योंकि हमारा काम भी इसी पास के एरिया में है, तो हमने सोचा कि क्यों दूर में रह जाए, पास में ही रह गए थे। और जाने के बाद थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ था जो कि हमने रिसेप्शन पर पूरी करी, उसके बाद हम गए रूम पर। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं और ये है हमारा रूम। चलो मैं आपको अपने रूम का टूर करवाती हूँ। सो गाइस, जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर पहले मिलेगा हमको कबर्ड। यहाँ पर हमने अपना सारा सामान रख लिया है और यहाँ पर एक स्पेस है। उसके बाद ये है वॉशरूम। सो जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स, क्लीन है बहुत ज़्यादा, वॉशरूम बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर क्लीन नहीं होता है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, तो क्लीन था, बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा। और जो रूम भी मिला है, यहाँ रूम भी बहुत क्लीन है, फ़ैन है, एसी है और यहाँ से व्यू बालकनी में बहुत ही मस्त वाला व्यू भी है। और यहाँ से हमारे रूम से तो नहीं दिखता, लेकिन मैंने सुना है कि इस होटल से यहाँ से बीच और मंदिर भी दिखता है। तो इस तरफ है हमारा मिरर एंड इधर है हमारा बेड। और रूम काफ़ी बड़ा है, क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। इधर हमारा टीवी भी है और टीवी अभी तक चलाया नहीं है, चला के देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। एंड इस तरफ है बालकनी, कर्टन हटाने के बाद देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम अभी यहाँ पर फ्रेश होएंगे जल्दी से। तो ये है हमारे रूम से दिख रहा है जो व्यू। एंड चलो अभी हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और थोड़ा सा घर में कॉल कर देते कि हम लोग पहुँच चुके हैं और होटल में चेक इन भी कर लिया है। तो वीडियो पर बने रहो आगे जो कुछ भी होगा उसको देखने के लिए। सो गाइस, मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, दी भी रेडी हो चुकी है और हमारा काम है 1 बजे। 1 बजे हमारा काम है, तो अभी टाइम नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे, नहा धो के आ गए हैं और बाकी इसका सामान सब दी रख रही है। तो मैं बताती हूँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम आए हैं पूरी, यहाँ पर हमारे एक मेकअप है, एक हम जाने वाले हैं 1 बजे। उससे पहले हमें रेडी होना है, रेडी होएंगे फिर पहुँचेंगे। तो वेन्यू पे पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसका मेकअप हो रहा है, कहाँ पर और क्या चीज़ का इवेंट है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही ऑर्डर कर लिया क्योंकि बाहर जा नहीं पाए, बहुत थक गए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे, हम बाहर जाके कुछ ट्राई करेंगे खाना वाना क्या। तो रूम पे ऑर्डर किया था, ये सब हमें अराउंड 500 समथिंग पड़ा। और हमने ऑर्डर किया था पूरी, आलू मटर की सब्ज़ी और उसके साथ आलू का पराठा एंड दही। तो खाना ठीक ठाक था, इतना भी ज़्यादा अच्छा या फिर ज़्यादा ख़राब नहीं था, एवरेज था। और चलो अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग सो गए थे बीच में क्योंकि रात को बस में ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद दी और मैं दोनों तो अभी उठे हैं, 12 बज रहा है, 1 बजे हमें काम पे जाना है। तो जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो हम तैयार हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे लंच के लिए। और प्लान थोड़ा चेंज हो गया है कि जैसे कि 1 बजे काम था, काम डिले हो गया, 8 बजे है और अभी हम जाएंगे लंच करेंगे, उसके बाद रिटर्न आएंगे, फिर रेडी होंगे। वैसे ड्रेस में चेंज कर लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप अच्छा सा कर लेना है और उसके बाद हम निकलेंगे हमारा वेन्यू जहाँ पर हमारा काम है। तो हम लोग रेस्ट करके उठे, तब तक आफ्टरनून हो गया था और अभी हम लंच करने के लिए आए हैं होटल गंगोत्री। ये भी हमारे होटल के पास ही है, बाहर गए थे करने के लिए। तो अच्छा जगह है, काफ़ी क्लीन है। और इसमें क्या है मेन्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लो। अगर आप लोग कभी आते हो इसी आसपास के एरिया में रुकते हो या फिर वहाँ भी रुकते हो तो इस जगह पर आप आकर खा सकते हो। और यहाँ पर बिल्कुल भी वेज मिलता है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी था, हमने जब ट्राई किया अच्छा लगा। तो हमने ऑर्डर किया था स्टीम्ड राइस, गोभी चिली एंड दाल फ्राई। और पर सुबह खा लिया था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था नाश्ता, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही खा लिया। उसके बाद हमारा पेट काफ़ी फुल हो गया था, फिर हम गए अपने काम पे। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे वेन्यू पे जहाँ पे हमें काम है। तो ये है होटल शक्ति इंटरनेशनल जहाँ पर हमारा काम है और हमारे क्लाइंट यहाँ पर रुके हैं। हमने भी सोचा था यहाँ पर रूम ले ले, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोई रूम खाली ही नहीं था। क्योंकि हमें इजी हो जाता अगर यहाँ पे हमें रूम मिल जाता, काम के लिए हमें कहीं और जाना नहीं पड़ता, यहीं पे हो जाता। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हमारे वेन्यू पे जहाँ पर होने वाला है अभी मेकअप। तो हमारे क्लाइंट को कैसा मेकअप चाहिए और वो कौन है वो अभी आपको मैं बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप और इनसे पता करते हैं इनको कैसा लुक चाहिए। सो हाय सुप्रिया, तो आपको आज का लुक कैसा चाहिए, किस टाइप का आपने सोचा है? मुझे मेरा लुक, मैंने ऐसा सोचा था कि आज थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक, क्योंकि जिस तरह का इवेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, नेचुरल ग्लोइंग और नाइस हेयर स्टाइल, स्मार्ट, नॉट ट्रेडिशनल बट स्मार्ट के लोगों में थोड़ा अलग, इंडो वेस्टर्न। ठीक है, तो चलिए आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। ओके, थैंक यू। सो गाइस, मैं अभी बताती हूँ ये कौन है। ये है मिस सुप्रिया जोशी, जो कि एक सिंगर है और इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था सारेगामा पा 2005 में, वहाँ पर कंटेस्टेंट थी ये। और इन्हें काफ़ी लोग जानते होंगे और जिन्हें नहीं मालूम है मैं उन्हें बता दूँ, एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए, आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा। सो ये एक बहुत ही नामी सिंगर है और इनका मेकअप हमें करना था आज, क्योंकि इनका आज एक परफॉर्मेंस है, एक इवेंट में इन्हें परफॉर्म करना था और हमें उनका काम मिला। वी आर वेरी ब्लेस्ड। सो सुप्रिया, आपका फाइनल लुक आपके सामने और आप खुद को भी देख चुके हो, और आप बताओ आपको कैसा लगा? सो आई रियली लाइक टू थैंक यू मोना एंड मनोरमा फॉर दिस ब्यूटीफुल लुक एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल व्हिच यू हैव गिवन मी एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत अच्छी दिखे और थोड़ा हटके दिखे। सो मेरे दिमाग में ये लुक था और आप लोगों ने मुझे हेल्प की कि किस तरह से मुझे रेडी करना है। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू सो मच।
सो गाइज, अपना काम ख़त्म करने के बाद हम आ गए वेन्यू पे जहाँ पर इवेंट था। तो मेकअप उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्हें हमारा काम पसंद आया। एंड चलो, अभी हमने वेन्यू पर एंट्री ले ली है और यहाँ पर अभी प्रोग्राम चलेगा और डिनर वगैरह सब कुछ यहीं पर होने वाला है। और यह है होटल मैफायर वेव्स, तो यहीं पर प्रोग्राम था इसलिए दी और मैं अभी यहाँ पर रुकेंगे। और प्रोग्राम में जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वीडियो पर बने रहे। I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short... जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो प्रोग्राम चल रहा था और उस बीच में हमें लगा भूख, तो हम आ गए थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। और ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन हमारे पेट में जगह कम थी, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स ट्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और डिनर में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे बट यू नो हमारे पेट में जगह कम थी। और ये सब ख़त्म करने के बाद हमें पता चला कि महाप्रसाद वहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि वो एक फंक्शन था जहाँ पर एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, आई थिंक गोल्डन जुबली था उनका, इसलिए वो इवेंट प्लान किया गया था। सो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं, हम होटल आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:43, 12 बजने वाला है। हम आए होंगे 11:15 तरफ। आने के बाद चेंज करके नाइट स्किन केयर करके हम लोग अभी सोने के लिए तैयार हैं, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अभी हम सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह एक ही दिन है। कल हम शाम को निकलने वाले हैं वापस राउरकेला के लिए, तो उससे पहले कल दिन भर हम घूमने वाले हैं और कहाँ जाएंगे ये सब आपको व्लॉग में पता चलेगा, व्लॉग देखना स्किप मत करना। और अभी हम लोग सो जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों को सुबह। सो गाइज, हम सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं क्योंकि रात भर तो हम सो नहीं पाए, इतना ज़्यादा थक गया था, अच्छे से नींद आया नहीं, 2 बजे के बाद सोए बड़ी मुश्किल से, और सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गए हैं। चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद
कहाँ जाएंगे ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग को स्किप मत करना, लेट्स गो। चल वो फोन तो दीजिए। तो उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट करने आए थे, ये हमारे होटल के पास में ही था, और ये है क्लिनिक्स पूरी करके एक जगह है उसके पास में है, और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट हमने किया, बहुत ही टेस्टी था। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग इस आसपास के एरिया में रहते हो ब्रेकफास्ट यहाँ पर आकर ज़रूर करना। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, हमने ट्राई किया यहाँ पर इडली सब्जी और पूरी एंड पूरी सब्जी ट्राई किया, और यहाँ पर और भी बहुत कुछ समोसा वड़ा वगैरह भी मिलता था। छोटा सा ही पेट है थोड़ा, तो मैं खाना खाया उसके बाद मैं फिर से घूमने के लिए जाना था, मैंने प्लान किया था। तो हम मंदिर जाने वाले हैं और बीच जाने वाले हैं, क्योंकि इतना कम टाइम है हमारे पास, ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं। तो हम लोग पहले आए सुबह मंदिर, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रूम पे चले गए थे, थोड़ा देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद हम मंदिर के लिए निकले। तो मंदिर पर आपको जो पता है वहाँ पर एंट्री नहीं है, अंदर तक मैं बात नहीं बना सकती हूँ, इसीलिए हम फोन और हमारे सबसे बाहर छोड़ के जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर आपको लाइन देना है और वहाँ पर आपको बैग मिलने वाला है, चप्पल मोबाइल वगैरह सब डालोगे और वो वहाँ पर जमा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मंदिर में एंट्री दे सकते हो। तो ये है वो जगह, यहाँ पर अभी सब कुछ देंगे उसके बाद में जाएंगे मंदिर। तो गाइज हम लोग खाना वाना खा के आ गए और हम मंदिर गए थे, वहाँ तो आप लोग पता है शूट करना अलाउ नहीं है अंदर में, तो मैंने बाहर का जो व्यू था आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्लोजअप दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने अभी इसका हेयर स्टाइल बनाया है, इसे बीच जाकर थोड़ा सा फोटो शूट करवाना था अपना, इसलिए ऐसे सही है देख। तो उसका हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए इसलिए वो ऐसे सही है। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बीच, और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, और उसके बाद जो होगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो ब्लॉग पर बने रहो, और थोड़ा फोन चार्ज कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और हम लोग आए हैं बीच, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। यहाँ पर आसपास में बहुत सारा कुछ है, तो हम वहाँ का थोड़ा सा खाना वाना ट्राई करेंगे, एंड फिलहाल तो हम एंजॉय कर रहे हैं बीच वाला मोमेंट। देखते हैं देखते हैं, हमारे जाने का टाइम हो गया है, और अभी हम थोड़ा सा कॉफ़ी हमने ट्राई किया यहाँ का, और दीदी ने गोलगप्पे खाए, छोटे छोटे थे गोलगप्पे, और मैंने मोमोज ट्राई किया, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा शॉप लग गया है, अभी यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, स्टॉल वगैरह है, और कुछ ख़रीदना चाहो शॉपिंग के लिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बीच के पास इवनिंग के टाइम पर बहुत सारा शॉप ओपन होता है। तो मोमोज जब ट्राई किया मैंने, मोमोज मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखो पानी पूरी भी अच्छा लगा, छोटा छोटा था बट उसने कहा कि टेस्टी था। तो आप लोग जब भी आओ बीच के पास इवनिंग के टाइम पे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, कुछ ख़रीदना चाहो तो भी ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि पूरी है, और पूरी में तो शंख वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, यहाँ पर वो वाला शॉप भी है, कुछ लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, फूड ट्राई कर सकते हो। तो इवनिंग के टाइम पे आओ तो बहुत एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग का सब कुछ जिस काम के लिए एक्चुअली आए थे वो काम हो गया कल बढ़िया से, और आज हम लोग घूम भी लिए बीच से आगे। अभी हमारे जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो चलो अभी आपको डायरेक्ट मैं घर पे मिलती हूँ।
बाय, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका है। बाय 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 बाय। तो अभी हम स्टेशन पहुंच गए हैं और हम जाने वाले हैं रिटर्न, और गाड़ी से हमें उतरना ना पड़े इसलिए हमने हमारा खाना पैक कर दिया था कि कुछ ज़रूरत पड़े तो हम ट्रेन में हमारा रात को डिनर कर लेंगे, और चिप्स वगैरह ले लिया था थोड़ा बहुत भूख लगे तो। अवनी मम्मी, हाँ जादू की छड़ी आंची दे। कौन था? जादू की छड़ी आंची। तू जादू की छड़ी आंचू? बाप रे, तू इतने लेट कौन उठलो अवनी? कम उठना तेरी। अवनी को स्कूल जीवा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट हुआ था अवनी के साथ इसलिए एंड भी अवनी के साथ ही हो रहा है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं, अभी अभी स्कूल जाएगी, उसको मैं रेडी कर दूंगी। तो हमारा ये जो छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग था, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।